हाय फ्रेंड्स, जीत स्कूल आर्ट चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। वीडियो को क्लियर दिखने के लिए आप क्वालिटी में जाके 144 से 360 कीजिए तो आपको वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके दोस्त विश्वजीत, और आज हम सीखेंगे ग्राफ के मदद से हूबहू चित्र कैसे बनाया जाता है। तो आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के फोटो बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे डालते हैं ये सीखेंगे पहले। जैसे ये फोटो में देख सकते हैं, यहाँ से 20 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेके मार्क करेंगे ऊपर से, और नीचे से भी 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, और इनको रेशे के सहायता से जोड़ देंगे। अब एक एक सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, तो 2 सेंटीमीटर में आसान रहता ज़्यादा। जैसे 20 सेंटीमीटर है तो अपने को 2-2 सेंटीमीटर गैप में ग्राफ डालना है। जैसे 20 सेंटीमीटर है तो 2-2 को गैप मिलेंगे तो अपने को 10 रकाना मिलेंगे। जैसे आड़े में हम 2 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं तो लंबाई में भी 2 ही सेंटीमीटर का गैप लेना है। यदि आड़े में हम 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं तो लंबाई में भी 1 सेंटीमीटर का गैप लेना। जो प्रोपोर्शन है वो दोनों सेम होना चाहिए, 3:3 हो, 1:1 हो या 2:2 हो। जैसे यहाँ पर 28 सेंटीमीटर अपने लंबाई में, तो 28 को हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 14 रकाना होंगे। इस तरीके से हम स्क्वायर बना लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इधर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चौदह, ये बन गया हमारा मेन ग्राफ। तो हम यदि एग्जैक्ट इतना ही बनाएंगे तो हम सेम मेजरमेंट लेंगे। इधर अपने को बड़ा बनाना है तो उसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा गैप लेना पड़ेगा। तो हम एग्जैक्ट बनाएंगे इस फोटो में, छोटा बड़ा कैसे करते हैं हम आगे की वीडियो में देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 20 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर है, तो हम जो पेपर में चित्र बनाएंगे उनमें भी 20 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर लेंगे, और उसी तरीके से 2:2 के गैप में ग्राफ डालेंगे। जैसे यहाँ पर भी 10 स्क्वायर आया था तो यहाँ पर भी 10 स्क्वायर आया। सेम मेजरमेंट लेना है, यदि सेम फोटो बनाना है तो सेम मेजरमेंट लेना है। इसमें भी 28 था, इसमें भी 28 सेंटीमीटर लिए, तो यहाँ पर जितना स्क्वायर है यहाँ पर भी उतना स्क्वायर है, तो सेम रहे तो अपने को जो प्रोपोर्शन है वो समझने में ज़्यादा आसान रहता है। जैसे अभी शुरुआत कहाँ से, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं इधर से 4 और इधर से 3, तो जो सेंटर पॉइंट आएगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ये डब्बे में कहाँ रेशा जा रहे हैं, आधा कॉर्नर से कहाँ तक जा रहे हैं, फिर ये नीचे कहाँ से आ रहे हैं, बस डब्बे देखते जाना है, और डब्बे में कहाँ तक गए वो लाइनिंग अपने को बनाते हुए जाना है। बस एक उंगली जो मेन चित्र पे रखिए और उंगलियों को उसी लाइन पे रखिए जो लाइन को हम ड्रा कर रहे हैं। इस तरीके से जो डब्बे हैं उनका प्रोपोर्शन देखते जाना है और ड्रा करते जाना है। इस तरीके से अपने को
ड्रॉ करते जाएंगे तो एग्जैक्ट फोटो बनेगा। बस थोड़ा सा सावधानी रखना है कि जो डब्बे में है वो आधा में गया, आधा से कम ज़्यादा है, ये अपने को थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ता है। इस तरीके से आँखें बना लेंगे। इस साइड का भी आँखें बनाते समय थोड़ा सावधानी, थोड़ा सा धीरे बनाएंगे क्योंकि चित्र का मेन पार्ट रहता है आँखें। फिर जैसे नाक कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इधर से 6 नंबर है और इधर से 6, इधर से 6 का डब्बा है और इधर से भी 6 का डब्बा है, तो वहाँ से अपने को लेना है। फिर अपने को जो लिप्स है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, तो अपने को जो ग्राफ डले वो ग्राफ के मदद लेना है। जैसे ऊपर से 5 और 6 के बीच का लाइन है, डब्बे से डब्बे बनाते जाना है और एक बार चेक कर लेना है कि सही डब्बे पे बना रहे कि नहीं। इसलिए हम नंबर दिए कि कौन सा नंबर से कौन सा नंबर जा रहे हो। बस इस तरीके से बनाते जाना है, एक उंगली हटाना नहीं है मेन चित्र से। क्योंकि नंबर की तरफ हमेशा ध्यान रखेंगे तो अपना वर्क स्लो हो जाता है, इसलिए उंगली रखना जरूरी है वहां पर, ताकि कौन से डब्बे से कौन से डब्बे जा रहे वो पता चल सके। फिर अपने को जो साइड का नंबर है वो देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। तरीके से बनाते जाना है लाइनिंग। ये करीब करीब हमारा चित्र बन चुका है, जहां पे हल्का लाइन था वहां पर थोड़ा डार्क लाइन कर देंगे। डार्क लाइन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम शेडिंग कर रहे हैं, इसके बाद शेडिंग में भी डार्क लाइन आ जाता है। तो ये रहा ग्राफ की सहायता से कैसा एग्जैक्ट फोटो बनाया जाता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि पेंसिल शेडिंग कैसे करते हैं। तो ये फोटो बना लिए हमने, तो अगले वीडियो में हम पेंसिल शेडिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके और आपके बच्चों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए नया नया आर्ट लेके आ रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।